कि आप लोग को बहुत ज्यादा हाइपरपिगमेंटेशन हो चुकी है, डार्क स्पॉट्स हो चुके हैं और मेलास्मा जैसा इशू हो रहा है। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे स्किन पे कितने ज्यादा इश्यूज आजकल चल रहे हैं और मैंने आप लोगों को लाइव दिखाए भी थे और मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ ताकि मेरी हाइपरपिगमेंटेशन और जो मेलास्मा और अनइवन टोन है वो रिड्यूस हो सके। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने 30 डेज का चैलेंज लिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस अपलोड की थी और अपने पोस्ट अपलोड किए थे कि मुझे बहुत ज्यादा हाइपरपिगमेंटेशन, मेलास्मा और अनइवन टोन का इश्यू हो रहा है। इवन मेरी स्किन टोन भी डार्क हो गई है, मतलब डलनेस बहुत ज्यादा आ गई थी। सो मैंने जो है चैलेंज लिया है और अपनी स्किन को बेटर किया है। 30 डेज का चैलेंज है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो एंड तक देखिएगा। एक ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों के साथ लेकर आई हूं, मैं शेयर करूंगी, उसके बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। सो अगर आप लोगों को ये इश्यूज हैं कि आपको मेलास्मा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, डलनेस है या ऐसे इश्यूज आपके स्किन पे आ रहे हैं और आपको लग रहा है बहुत ज्यादा स्किन एजिंग वाली हो रही है, सो ये वीडियो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है और ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो या मुझे देखते रहते हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो पे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, वो क्लिक करके ग्रे कर दो और साथ में एक बेल आइकन है वो क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आप लोग को सबसे पहले मिल जाए और आप देख लो। मैं वीडियोस बनाती हूं स्किन केयर, हेयर केयर एंड हेल्थ रिलेटेड, सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अनमोल। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि मेरे स्किन पे कितने ज्यादा इश्यूज आने लग गए थे। छोटे छोटे से ब्लेमिशेस, ब्राउन स्पॉट्स आ रहे हैं, साइड में अनइवन स्किन टोन हो गई है, टोन स्किन टोन मेरा डार्क हो गया है, डलनेस बहुत ज्यादा आ रही है, ग्लो खत्म हो चुका है। सो फ्रेंड्स, मैंने 30 डेज का यहाँ पे चैलेंज लिया है एक सीरम के साथ। और फ्रेंड्स, जो ये सीरम है ना, ये मैंने 30 डेज रेगुलर यूज किया है मॉर्निंग एंड नाइट टाइम में, जिसके इफेक्ट्स आप लोग स्क्रीन पे बहुत इजीली देख सकते हो। इवन आप अभी भी देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज्यादा बेटर हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, वो जो प्रोडक्ट है वो है ये साटन की तरफ से, ये है ग्लो सीरम। इसके अंदर है फ्रेंड्स 5% विटामिन सी और 10% नाइसिनामाइड। बेसिकली फ्रेंड्स, इसके अंदर जो 5% विटामिन सी है वो आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, ये सारी चीजों को टारगेट करता है और आपके स्किन एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है क्योंकि विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट 10% नाइसिनामाइड है। नाइसिनामाइड को तो फ्रेंड्स सुपर हीरो और सुपर स्टार हीरो बोला जाता है। ये फ्रेंड्स आपके स्किन को काफी अच्छे से नरिश करता है, बूस्ट करता है आपके कोलाजन को, स्किन को काफी ज्यादा फर्म एंड हेल्दी भी बनाता है इवन, जिसकी वजह से आपके स्किन में वो प्लमनेस आ जाती है और वापस से ना वो ग्लो सा आने लगता है। क्योंकि सिर्फ विटामिन सी से नहीं आएगा, ठीक है आपने डार्क स्पॉट्स रिड्यूस कर लिए, बट वो ग्लो, वो जो विद इन काइंड ऑफ ग्लो होता है, प्लमनेस होती है, हेल्दीनेस होती है स्किन पे, हमें वो भी वापस चाहिए, राइट? तो इसके लिए नाइसिनामाइड एंड विटामिन सी का जो दोनों का कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है और इसने मुझे काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी एक या दो दिन में आपको इसके काफी अच्छे वाव वाले रिजल्ट मिल जाएंगे, बट येस, आप इसको रेगुलर यूज करो जैसे कि मैंने किया है। मॉर्निंग एंड नाइट टाइम में आपने यूज करना है और इसके स्लोली स्लोली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। स्लोली स्लोली आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, डलनेस, अनइवन टोन, ये सभी चीजें जो है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि मैंने कहा है 30 डेज की मैंने चैलेंज लिया था, बट काफी हद तक मुझे मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो स्लो डाउन हुई है, रिड्यूस हुई है। बट फ्रेंड्स, मैं अभी इसको और रेगुलर यूज करने वाली हूं टिल जब तक मुझे इसके डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिलते।
सो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप इसको रेगुलर यूज कीजिएगा जब तक आपकी स्किन पे वो डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. इवन डिजायर रिजल्ट्स के बाद भी आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हो ताकि आपकी स्किन टैन ना हो, पिगमेंटेड ना हो और साथ में आपकी स्किन क्लियर एंड ग्लोइंग बनी रहे. तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, आप लोग ये चेकआउट कर सकते हो. इसकी जो प्राइसिंग होगी मैं पॉपअप कर दूंगी, इसका जो लिंक होगा परचेज लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा. बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके जो क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है. क्वांटिटी आपको इसमें 30 ml की मिलती है और जो क्वालिटी है वो काफी विद इन काइंड ऑफ है. आप जैसे इसको लगाते हो आप इसको रब करोगे और ये विद इन चला जाता है, मतलब कुछ भी आपको चिपचिपापन नहीं आएगा और एकदम से ना अब्सॉर्ब हो जाएगा. आप ऊपर से इवन अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है या आप कोई और मॉइस्चराइजर भी लगाते हो आप लगा सकते हो. मॉर्निंग टाइम में आपने मेक श्योर करना है कि आपने सनस्क्रीन जरूर लगाना है ताकि आपके जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो स्किन पे वो प्रोटेक्टेड रहे, आपके सेल्स प्रोटेक्टेड रहे, सन या यूवी या यूवीबी रेज से वो डैमेज ना हो. सो मॉर्निंग एंड नाइट टाइम में यूज करना है. मॉर्निंग टाइम में इस ये लगाने के बाद आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो और उसके बाद अपना सनस्क्रीन. सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी. अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी. एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.